Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास फिफ्थ का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.7 डिवीजन स्टोरी प्रॉब्लम। आपको ये बता दें कि स्टोरी प्रॉब्लम का ये पहली बार नहीं मिला है, इसमें करीब चौथा एक्सरसाइज है जिसमें हमें स्टोरी प्रॉब्लम पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें सॉल्व करना है डू प्रैक्टिस क्विक ड्रिल। कहने का मतलब 13 क्वेश्चन है टोटल, ये सॉल्व करना तो आपको ही है। कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको मैं बताऊंगा। पहला पार्ट है, अमित प्लेस्ड 936 शीट्स ऑफ पेपर इक्वली इन 8 फाइल, हाउ मेनी शीट ऑफ पेपर्स डिड ईच फाइल कंटेन। कह रहा है कि अमित के पास 936 शीट्स हैं, पेपर हैं, ठीक है, उसे बराबर बराबर 18 फाइलों में रखना है। 936 पेपर को 18 फाइलों में रखना है, तो ये बताइए कि एक फाइल में कितने पेपर आएंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, 18 से डिवाइड करना है 936 में, 18 से डिवाइड करना है 936 में, जो आएगा वो आंसर होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.7 का पहला पार्ट। ऐसे रहेगा 936 डिवाइड बाय 18, तो 18 से जब हम डिवाइड करेंगे 936 में कितनी टाइम जाएगा इसको देखते हैं। 18 का टेबल पढ़ते हैं कितनी टाइम जाएगा, 18 फाइव जा कितना होता है 90, 18 फाइव जा 90 ये कितना हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, यहाँ से 6 को राइट कर लेंगे, 18 टू जा 13 36 कितना हो गया 0। देखिए रिमाइंडर आया है 0, यानी कहने का मीन्स जब हम 18 फाइलों में सभी पेपर को एडजस्ट करेंगे तो वहां पर कोई भी पेपर शेष नहीं बचेगा, यानी कि सभी फाइलों में आ जाएगा। तो फाइलों में एक पेपर में कितने, एक फाइल में कितने पेपर आए हैं 52। तो यहाँ पर जो हमें आंसर लिखना है, लिखना है ईच फाइल कंटेन कितना 52 पेपर्स, ये है आंसर। कहने का मीन्स एक फाइल में 52 पेपर को रखा जा सकता है। क्लियर है, ओके, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट बी, 300 स्टोरी बुक्स वेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 15 चिल्ड्रेन, हाउ मेनी स्टोरी बुक डिड ईच चाइल्ड रिसीव। 300 स्टोरी बुक है जो 15 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो बताइए कितने स्टोरी बुक, एक बच्चे को कितना स्टोरी बुक मिला। तो आपको सिंपल क्या करना है, 15 से डिवाइड करना है 300 में, जो आएगा वो आंसर रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट, सानिया पुट 840 स्वीट्स इक्वली इन 15 बॉक्सेस, हाउ मेनी स्वीट्स वेयर देयर इन ईच बॉक्सेस। 840 मिठाई है वो 15 बॉक्सों में रखा जाना है, तो बताइए एक बॉक्स में कितनी मिठाई आएंगी, 15 से डिवाइड करना, करने पर जो आएगा वो आंसर रहेगा। नेक्स्ट, 8176 वाज पेड बाय 16 स्टूडेंट्स फॉर एन एक्सकर्शन, ईच स्टूडेंट पेड एन इक्वल अमाउंट, हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट पे। क्या करना है, 16 से डिवाइड, इसमें 16 से डिवाइड, इसमें 17 से डिवाइड, ओके, इसमें 100 से डिवाइड करना है, जो मैंने लास्ट वाला रूल बताया है सेम टाइप अप्लाई कीजिएगा, ओके। और इसी तरह से प्रैक्टिस का है, आइए प्रैक्टिस को भी देख लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, इसका भी एक पार्ट देख लीजिए। ए स्पोर्ट क्लब कलेक्टेड 9526 एज ट्रेनिंग फीस फॉर ए मंथ, 11 चिल्ड्रेन ऑप्टेड फॉर द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फैसिलिटी।
हाउ मच डिड ईच चाइल्ड पे? एक स्पोर्ट क्लब ने 9,526 रुपए को ट्रेनिंग फीस के रूप में एक महीने में एकत्र किया और उसमें 11 बच्चों ने दिया, ठीक है, ट्रेनिंग फैसिलिटी को एक्सेप्ट किया। अभी बताइए कि एक बच्चे ने कितने रुपए का योगदान दिया, तो यहाँ पर इतने में 11 से डिवाइड करना है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन, यहाँ से हमें 11 से डिवाइड करना। आप लोग सिंपली ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ से कैलकुलेटर का यूज करके डायरेक्ट आंसर रख दें, इसको जरूर लिखना 9526। देखिए 11 का जब हम टेबल पढ़ेंगे तो 11 8 जा होता है 88, क्लियर, 7 हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा, यहाँ से 2 राइट करेंगे, 11 6 जा 66, यहाँ से 6 रिमेन है, यहाँ से 6 राइट कर लेंगे। अब 11 का टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम, 11 6 जा 66, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ गया, क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर जो लिखना है ईच स्टूडेंट 866 रुपीज पे, एक छात्र ने 866 रुपए का योगदान दिया, ओके, इसे नोट कर लीजिए। अभी अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पार्ट बी, आदर्श विद्यालय प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 15 यूनिफॉर्म फॉर इट्स फुटबॉल टीम, 8,400 वाज पेड इन ऑल फॉर द यूनिफॉर्म, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिफॉर्म? 15 से डिवाइड करना 8,400 में। आइडियल स्पोर्ट स्टोर सोल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टू 16 चिल्ड्रेन, द टोटल अमाउंट वाज 7,200, हाउ मच डिड ईच चाइल्ड पे इफ दे ऑल पेड द सेम अमाउंट? इसमें भी 16 से डिवाइड करना है 7,200 में, और उसी तरह से जितने हैं इसमें भी हैं, ओके, इन सभी को सॉल्व कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।